Hello, friends. Very warm welcome to LK Academy. I hope everyone of you is safe and doing well at your home. And I hope that uh, you have gone through the previous current affairs lectures. So, today we will see the other current affairs topics uh, which will be helpful in our upcoming examinations. So, by reducing the corona cases, we can expect that uh, central government and state government will start taking examinations as per the uh, you know newly revised uh, exam schedule so be prepared uh, because now government will not give you the enough time to prepare for your examination from scratch because already it the schedule has been delayed and uh, government expects that people can give exam in one week or two weeks notice सो बी प्रिपेयर फॉर दैट और इसी के साथ आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो देखेंगे एंड देट इज़ स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ओके सो देखिए पी वी टी जी के बारे में हमने आगे भी कई बार पढ़ा है क्या है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स सो इंडिया में देर आर सेवरल नंबर ऑफ़ ट्राइबल ग्रुप्स ओके जो कि मेन सोसाइटी से अलग है अब उनमें से भी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को चुना गया है जहाँ पे लिटरेसी की कमी है जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या जिनकी पॉपुलेशन टाइम के साथ स्टडी है और जो आज भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर वलरेबल ट्राइबल ग्रुप पी की कैटेगरी बनाई गई है सो मैनी मेम्बर्स ऑफ एट डिफरेंट पर्टिकुलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स गॉट इन्फेक्टेड इन द सेकेंड वेव ऑफ़ कोविड नाइन्टीन इन ओडिशा द इन्फेक्टेड पी वी टीजीज इंक्लूड द बोंडा ट्राइब ऑफ मलकानगिरी एंड डोंगरिया कोंद ट्राइब ऑफ नियामगिरी हिल्स तो देखिए बोंडा ट्राइब एंड डोंगरिया कोंंद जो है वह आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महारा महाराष्ट्र कर्नाटका ओडिशा में आपको देखने को मिलेगी और एक चीज़ याद रखिए सबसे ज़्यादा पीवीटीजी के जो नंबर्स है जो सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप्स है वो आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे गुजरात हैज़ फाइव सच काइंड ऑफ पी वी इज सो फार ट्राइबल ग्रुप्स इन ओडिशा सो अकॉर्डिंग टू द 2011 इलेवन सेंसेस ओडिशा शेयर ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन वॉज नाइन तो देश में जितने भी पॉपुलेशन है ट्राइबल ग्रुप्स की ओके नॉट पीवीटीजी ओनली ट्राइबल ग्रुप्स ट्राइबल ग्रुप्स एंड पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर टू डिफरेंट कैटेगरीज कीप दैट इन माइंड सो अकॉर्डिंग टू देंटी 2011 सेंसस ओडिशा इज शेयर ऑफ द कंट्रीज टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन वाज़ नाइन परसेंट द ट्राइबल्स कॉन्स्टिट्यूट ट्वेंटी ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन ओडिशा का टोटल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट जितना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किससे आता है ट्राइबल ग्रुप से आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ इट्स ट्राइबल पॉपुलेशन उड़ीसा ऑक्यूपाई इज द थर्ड पोजिशन इन इंडिया तो ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में उड़ीसा का जो नंबर है दैट इज़ थर्ड इन इन दी इंडिया

सावरा लोधा मणिकिर्दिया पौडी बुयन एंड साओरा ट्राइबल पॉपुलेशन आर फाउंड इन एंटायर सेवन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंधमाल, मयूरभंज सुंदरगढ़ नवरंगपुर कोरपाट मलकानगिरी एंड रायगढ़ एंड इट इन पार्ट्स ऑफ सिक्स अदर डिस्ट्रिक्ट तो ये सात डिस्ट्रिक्ट में तो आपको ज़्यादा फैले हुए दिखेंगे अदर जो छः डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे भी आपको ये फैले हुए दिखेंगे पर्टिकुलरली वलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है सो हाउ इट वॉज क्रिएटेड बेसिकली सो इट वॉज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ढेबर कमीशन सो इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री द ढेबर कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगोरी विच आर लेस डेवलप्ड अमांड द ट्राइबल ग्रुप्स ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको डेवलप करने के लिए उनको उनके ऊपर फोकस करने के लिए एक विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स एक अलग कैटेगरी बनाई गई इन 2006 थाउजेंड एंड सिक्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड दी पी टी जीज दैट इज़ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज पर्टिकुलरली वलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पी वी टी जीज को पहले किस नाम से जाना जा जाता था और किसने उसका क्रिएशन किया था तो आपका आंसर होगा ढेबर कमीशन ने उसको क्रिएट किया था इन 1975 सेवेंटी फाइव दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगोरी कोल्ड पी वी टी जीज एंड डिक्लेयर्ड फिफ्टी टू सच ग्रुप्स

characteristics of pvtgs the government classifies pvtgs on their relative physical isolation stagnant or declining population low levels of literacy absence of written language pre agriculture stage of economy such as hunting food gathering shifting cultivation and terrace cultivation तो देखिए उनका जो मेन uh, सोसाइटी के साथ जो कांटेक्ट होना चाहिए uh, जो मर्जर होना चाहिए विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स दैट इज़ वेरी लो अभी भी वो दूर के इलाकों में रहते हैं मेन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं उनके जो uh, बच्चे हैं उनमें जो एजुकेशन का जो लेवल है लिटरेसी का जो बेसिकली जो लेवल है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट लो उनके पास ख़ुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है ओके okay, उनकी लैंग्वेज अलग है बट उनके पास कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है तो ऐसे जो फील्ड है ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से उनको पी में डाला गया है ओके okay? सो so, उनमें भी कोविड इन्फेक्शन धीरे धीरे सेकेंड वेव में हमें फैलता हुआ दिखा था जो कि फर्स्ट वेव में उन्होंने सक्सेसफुली अवॉइड किया था राइट right? बिकॉज वो ऑलरेडी आइसोलेशन में रहते थे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ साइक्लोन ताउते

कहाँ पे होते हुए हमें दिखा गुजरात के सौराष्ट्र वाले जो इलाका है वहाँ पे हमें इसका लैंडफॉल होते हुए दिखा साइक्लोन ताउते का नेम्ड बाय सो ऑलरेडी वी सीन मैनी ऑफ दी साइक्लोन्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हमने निसर्गा के बारे में पढ़ा है हमने वायु के बारे में पढ़ा है uh, अम्फान के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर राइट सो अलग अलग जो रीजन वाइज कंट्रीज को नाम देने के लिए कहा गया है सो लेट्स से देर आर थर्टीन कंट्रीज़ जिन्होंने थर्टीन अलग अलग नाम अपने तरफ से आ, किसी भी साइक्लोन के लिए दिए हैं। अब उसी नाम का एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एक के बाद इस्तेमाल किया जाएगा सो so, इस बार का जो नाम था इट वॉज़ गिवन बाई म्यांमार सो इट इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ब बाई म्यांमार

ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी डेवलप ड्यूरिंग द प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून पीरियड्स मे टू जून एंड अक्टूबर टू नवंबर आर नोन टू प्रोड्यूस साइक्लोन्स ऑफ सीवियर इंटेंसिटी दैट अफेक्ट द इंडियन कोस्ट ओके क्लासिफिकेशन अभी हम ताउथे की बात कर रहे हैं चौबीस मई को हमारे यहाँ मतलब ओके नेक्स्ट वीक वी विल हैव अनदर साइक्लॉन दैट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल और वो मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरियाज है उसको वो अफेक्ट करेगा उसके बारे में भी हम जब वो आएगा अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस इट क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो होता है वो विंड स्पीड के ऊपर किया जाता है उसकी कैटेगरी विंड स्पीड के ऊपर डिसाइड की जाएगी सीवियर क्रिटिकली सीवियर एंड एट्सट्रा सो इट हैज़ वीकेंड इन टू दी वेरी सिवियर साइक्लॉनिक स्ट्रोम फॉर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लॉनिक स्ट्रोम द इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वी पॉपुलरली नो इट एज आई एम डी साइक्लॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड दे जेनरेट ओके सो मैक्सिम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड के ऊपर से उनको क्लासिफाई किया जाएगा द साइक्लॉन्स आर क्लासिफाइड एज सिवियर सीवियर का मतलब क्या होगा कि अगर जो विंड स्पीड है दैट इज़ 48 एट टू सिक्सटी थ्री नोट्स और नोट्स का कन्वर्जन आपको देखिए नीचे दिया हुआ है वन नोट इज़ इक्वल टू वन पॉइंट एट किलोमीटर पर आर वेरी सीवियर तो अगर विंड स्पीड है आपकी सिक्सटी फोर टू एटी नाइन नोट्स एक्सट्रीमली सीवियर सो एम अगर आपका है नाइन्टी टू वन वन नाइन नोट्स एंड सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम हैविंग विंड स्पीड ऑफ वन टवेंटी नोट्स और मोर तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक पहले उसको प्रेडिक्ट किया गया था बट टाइम के साथ उसकी जो विंड विंड स्पीड थी वो कम हो गई और उसको जो उसकी सीवियरिटी थी उसको डिक्रीज़ करके वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम में बदल दिया गया कहाँ पे ये डेवलप हुआ था तो ये डेवलप्ड हुआ था अरेबियन सी में सो ताउटे इज द फोर्थ साइक्लोन इन अ कॉन्जिक्यूटिव ईयर टू हैव डेवलप्ड इन द अरेबियन सी दैट टू इन द प्री मॉनसून पीरियड अप्रैल टू जून After Cyclone Mekanu in 2018, which struck Oman, Cyclone Vayu in 2019 struck Gujarat, followed by Cyclone Nisarga in 2020 that struck Maharashtra. All these cyclones since 2018 have been categorized either severe cyclone or above. तो पिछले कुछ सालों में हमें साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन के आने की जो फ्रीक्वेंसी है या साइक्लोन के जनरेट होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें काफ़ी इजाफा होता हुआ दिखा है काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है वाई बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर एटमोसफियरिक चेंजेस तो हमारे जो ओशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं ड्यू टू दी ग्लोबल वार्मिंग उनका जो टेम्परेचर है दैट इज़ राइजिंग डे बाई डे दैट्स वाई वी आर फेसिंग फ्रीक्वेंट साइक्लॉनिक कंडीशंस अरेबियन सी बिकमिंग हॉट बेड ऑफ साइक्लॉन्स सो एन्युअली फाइव साइक्लॉन्स ऑन एन एवरेज फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी कम्बाइंड Of these, four developed in the Bay of Bengal, which is warmer than the Arabian Sea. In 2018, while the Bay of Bengal maintained its average of four cyclones a year, the Arabian Sea produced three cyclonic storms. In 2019, the Arabian Sea overtook the Bay of Bengal with five cyclones to three. In 2020, the Bay of Bengal produced three cyclonic storms, while the Arabian Sea generated two. आपको ये numbers याद रखने की ज़रूरत नहीं है but कौन सा cyclone कौन से ocean से produce हुआ था generate हुआ था और कौन से इलाके को उसने affect किया था वो basic knowledge आपको होना चाहिए In recent years, meteorologists have observed that the Arabian Sea too has been warming. This is a phenomenon associated with a global वार्मिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट द सी सरफेस टेम्परेचर इन द अरेबियन सी हैज बिन राइजिंग फॉर अबाउट फोर्टी ईयर्स द इनक्रीज इन टेम्परेचर इज इन द जोन ऑफ वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो देखिए हमें लगेगा कि एक डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो उसमें क्या बड़ी बात है बट वेन अ वाटर टेम्परेचर एंड ओशन टेम्परेचर वेन इट इज वैन इट राइज इज फॉर इवन फॉर आ स्लाइटली चेंज वो काफ़ी अफेक्ट करेगा दंडर वाटर लाइफ को एंड जो ये प्रेशरिक कंडीशन है ओशन के आसपास की आ, तो उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा एंड वी आर सींग दिजल्ट ना नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सो अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस कंट्रीज इन एवरी रीजियन आर सपोज टू गिव नेम फॉर साइक्लोन्स, साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर हरिकेन के नाम से जाना जाएगा साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा टाइफून के नाम से जाना जाएगा ओके सो दॉर्थ इंडियन ओशन रीजियन कवर्स ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स फॉर्म्ड ओवर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी इंडिया को जनरली जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन है तो उसको बेसिकली कौन से जैसे कि हमने देखा कि दो ओशन से जनरेट होने वाले साइक्लोन को यहाँ पे काउंट किया गया है कंसीडर किया गया है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी उसमें जो थर्टीन मेंबर है नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में वो कौन से है सो दी थर्टीन मेंबर्स विच कम अंडर दी रीजन आर बांग्लादेश इंडिया मालदीव्स म्यांमार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका थाईलैंड Iran, Qatar, Saudi Arabia, the UAE and the Yemen. इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ दिक्सथ रीजियोनल स्पेशलाइज्ड मेटेरियोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड इज मैंडेटेड टू इश्यू एडवाइजरीज एंड नेम ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजियन इट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ठीक है तो आई एम डी जनरली आस पास के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से क्या करता है उनके साथ कम्युनिकेट करता है इन द केस ऑफ द अपकमिंग एनी अपकमिंग साइक्लोन और टाइफूस इन दी अरेबियनसी एज़ वेल एज इन दी बे ऑफ़ बंगाल तो ये थर्टीन नेशन आपको याद रखने हैं और जैसे कि मैंने बताया कि आ, जो पिछले एक दो साल में जितने भी साइक्लोन आए हैं इन बे ऑफ बंगाल एंड इन अरेबियनसी जो इंडिया को असर किए हैं उनका औरिजिनेट कहाँ से हुए थे और उनका नाम कौन सी कंट्री के थ्रू दिया गया था वो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिरेक्टली और वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके सो अगर आप वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दी कॉन्स्टिट्यूशन राइट पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वर्ड है उसको सुनकर आपको क्या याद आ रहा है कि इट्स अ स्टेट्स अपर हाउस किसी भी राज्य के साथ जुड़ा हुआ जो अपर हाउस जो है दैट इज़ नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल यू ऑलरेडी नो अबाउट दी रोल ऑफ राज्यसभा एट सेंट्रल लेवल कंट्री के लिए राज्यसभा का जो रोल होगा वही रोल स्टेट्स के लिए होगा लेजिस्टिव काउंसिल का और लेजिस्टिव काउंसिल इज कम्प्लीटली ऑप्शनल थिंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव दजिस्लेटिव काउंसिल तो बेसिक आइडिया क्या है राज्यसभा बनाने का मतलब क्या था कि जो भी लेजिस्लेचर बनाया जा रहा है जो बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है उसकी डबल स्क्रूटिनी होगी राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेजा जाएगा कि जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं साइंटिस्ट होंगे टीचर्स होंगे सोशल वर्कर्स होंगे उन लोगों को राज्यसभा में बिठाया जाएगा ताकि जो लॉ लोकसभा के थ्रू बनाया जा रहा है उसको एक्चुअल फैक्ट बेसिस पे स्क्रूटिनाइज़ किया जा सके नाउ द सेम अप्लाइज़ टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बड़े स्टेट्स हैं महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे जो बड़े स्टेट हैं वहाँ पे कोई लॉ को बनाने से पहले कोई लॉ को एक्चुअल ग्राउंड पे ले जाने से पहले उसकी डबल स्क्रूटनी के लिए आ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत होगी ओके सो रिसेंटली दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज़ ऑल्सो नोन एज विधान परिषद ओके जो स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी होगी दैट इज नोन एज विधान सभा द लोअर हाउस इज नोन एज विधान सभा द अपर हाउस इज नोन एज विधान परिषद फॉर सेटिंग ऑफ द काउंसिल अ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दसेंबली विच असेंबली वेस्ट बेंगाल स्टेट असेंबली एंड देन अड फ्रॉम द गवर्नर इज रिक्वायर्ड तो अगर गवर्नर उसको हाँ बोलेंगे तभी जाके उस बिल को सेंट्रल लेजिस्लेचर बॉडी के पास भेजा जाएगा दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा सो so, पहले uh, खुद असेंबली को उस बिल को पास करना पड़ेगा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट वॉज अबॉलिश्ड इन 1969 तो so, देखिए पहले वेस्ट बंगाल के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी 1969 में उसको क्या कर दिया गया था अबोलिश कर दिया गया था अब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है सो इंडिया हैज़ अ बाई सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर जस्ट एज पार्लियामेंट हैजू हाउसेज द स्टेट्स कैन ऑल्सो हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अंडरलाइंड सेंटेंस आर्टिकल वन सिक्सटी नाइन के तहत यू कैन सेटअप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट स्टेट एज ऑफ नाउ हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल विच आर दोर्ज सिक्स स्टेट्स फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र एंड कर्नाटका जम्मू कश्मीर के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल काौन, थी बट क्योंकि उसको बाइफरगेट कर दिया गया और स्टेट को छोटा बना दिया गया इसलिए वहाँ के गवर्नर के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया अबोलिश कर दिया गया इन 2020 आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पासड द रिजोल्यूशन फॉर अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल द रिजोल्यूशन इज येट टू बी cleared by the पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू फाइनली abolish दी काउंसिल तो देखिए आंध्र प्रदेश को एज ऑफ नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत नहीं लग रही है क्यों क्योंकि जब आंध्र प्रदेश वॉज द यूनाइटेड जब तेलंगाना भी उसका पार्ट था तब वो बड़ा स्टेट था और तब वहाँ पर डबल स्क्रूटिनी की ज़रूरत थी ठीक है अब देखिए बड़े स्टेट और छोटे स्टेट के हिसाब से आप स्क्रूटिनी डिसाइड नहीं कर सकते दैट्स अ वन काउंटर आर्ग्यूमेंट बट मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जनरली जो छोटे स्टेट्स है वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी स्क्रूटिनी के बाद द स्क्रूटिनी इज़ ईज़ी बेसिकली टू अप्लाई एनी लॉ क्योंकि वो कम पब्लिक के ऊपर आप लागू कर रहे हो कम सोसाइटी uh, फेस के ऊपर आप वो लागू कर रहे हो आंध्र प्रदेश को अब लगता है कि उनको लेजिसलेटिव असेंबली की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि देर देर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पोलिटिकल इन द बैकग्राउंड विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू अस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे बट क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में आंध्र प्रदेश की जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी नहीं है और असेंबली में उनकी मेजोरिटी है सो दैट्स वाई दे हैव डिसाइडेड कि नाउ वी डू नॉट वॉन्ट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों क्योंकि जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो असेंबली से कोई भी बिल कहाँ ले जाना पड़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में ले जाना पड़ेगा और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी अपोनेंट पार्टी की मेजोरिटी है अपोन अपोनेंट पार्टी की मेजॉरिटी होने की वजह से वो बिल को क्या कर सकेंगे रोक देंगे और इसकी वजह से गवर्नमेंट जो बदलाव लाना चाहती है वो नहीं ला नहीं ला पाएगी एंड दैट्स वाई दे डू नॉट वांट दी लेजिस्लेटिव काउंसिल सो so, वो 2020 में असेंबली उसको ऑलरेडी पास कर चुकी है अभी बाकी है पार्लियामेंट से उसको पास होना पार्लियामेंट उसको पास करेगी देन राष्ट्र राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट विल साइन दैट बिल एंड देन ओनली द लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी अबोलिश्ड इन 2019 नाइनटीन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज अबॉलिस्ड थ्रू द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन बिल ट्वेंटी नाइनटीन विच रिड्यूज द स्टेट ऑफ जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड वन इज लद्दाख क्या कहता है आर्टिकल 169 हाउ टू क्रिएट हाउ टू अबोलिश दी लेजिस्टिव काउंसिल तो दोनों के लिए आपको पहले तो असेंबली की असेंबली से बिल पास होना चाहिए और दोनों के ही लिए आपको सेंट्रल पार्लियामेंट ओके राज्यसभा और लोकसभा का अफर्मेशन uh, नोड चाहिए कि हाँ भाई चलो हमने आपका बिल पास कर दिया है देन ओनली यू कैन ईदर क्रिएट और अबोलिश द लेजिस्टिव काउंसिल दी पार्लियामेंट कैन अबोलिश अ लेजिस्लेटि काउंसिल और क्रिएट इट बाई अ सिंपल मेजॉरिटी दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इफ द लेजिस्टिव असेंबली ऑफ दंसर्न स्टेट बाई अ स्पेशल मेजॉरिटी पासिस रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट तो देखिए स्टेट असम्बली से वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट से वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा सिम्पल मेजोरिटी और आ, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जितने भी प्रेजेंट मबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे 50 परसेंट से ज़्यादा अगर वोट मिल गए सो द बिल इज़ पास्ड स्पेशल मेजोरिटी क्या है टू थर्ड वोट इज़ नेसेसरी टू पास अ बिल तो स्टेट असेंबली ने अगर टू थर्ड मेजोरिटी से उसको पास किया है सो पार्लियामेंट कैन पास अ बिल बाई सिंपल मेज़ोरिटी सिंपल स्पेशल मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंसन टू थर्डर्सेंबली कंपोजिशन कैसे होगा सो दंडर आर्टिकल सेवेंटी सेवन ऑफ दूशन दाउंसिल ऑफ अ स्टेट शेल नॉट है मोर देन वन थर्ड ऑफ देंथ ऑफ द स्टेट असेंबली एंड नॉट लेस फोर्टी में इसका क्या मतलब हुआ कि 40 मेंबर्स से कम एक तो लेजिस्टिव काउंसिल में मेंबर्स नहीं होने चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि उससे वन थर्ड से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए विद कंपैरेटिव टू राज्य की विधानसभा स्टेट लेजिस्टिव असेंबली तो अब जब ये क्राइटेरिया होगा तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से जो छोटे स्टेट है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे क्यों क्योंकि हो सकता है कि उनको 40 से कम मेंबर्स रखने पड़े बेस्ड ऑन देयर असेंबली सीट्स तो काफ़ी सारे छोटे स्टेट्स uh, निकल जाएंगे एंड दे कैन नाट सेटअप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंकि वहाँ पे अगर लॉजिकली देखा जाए लॉजिस्टिकली देखा जाए तो वहाँ पर वैसे भी ज़रूरत नहीं है तो वन थर्ड से ज़्यादा सीटें नहीं होनी चाहिए वन थर्ड ऑफ दी विधानसभा से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए और चालीस से कम मेंबर नहीं होने चाहिए लाइक द राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ कंटिन्यूइंग चेंबर दैट इज इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिजोल्यूशन वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे राइट right. uh, जैसे कि राज्य की विधानसभा के चुनाव होंगे वैसे चुनाव वहाँ पर नहीं होंगे द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सिक्स ईयर्स विथ वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी टू ईयर सो इट्स अ कंटिन्यूअस हाउस जस्ट लाइक द राज्यसभा दिस इज ऑलरेडी नोन फैक्ट्स टू अस मैनर ऑफ इलेक्शन तो इलेक्शन कैसे होंगे सो वन थर्ड ऑफ द एम एल सीज आर इलेक्टेड बाई द स्टेट्स एम एल एज देखिए वन थर्ड ऑफ दी एम एल सी दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वैसे ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा सो दी वन थर्ड ऑफ दीजिंग सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स सच एज म्यूनसिपालीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स सो बाकी का वन थर्ड जो होगा वो म्यूनसिपालीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लाया जाएगा वन ट्वेल्थ बाय एन इलेक्टोरेट ऑफ टीचर्स एंड अनदर वन ग्रेजुएट्स तो देखिए टीचर्स को भी लाया जाएगा और ग्रेजुएट्स को का भी एक अलग इलेक्टोरेट होगा दी रिमेनिंग मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय दी गवर्नर फॉर डिस्टिंग सर्विस इन वरियस फील्ड्स नेमली लिटरेचर साइंस आर्ट कॉपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस तो इस तरह से पूरी लजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाएगा कुछ सिलेक्टेड होंगे कुछ इलेक्टेड होंगे राइट right. क्यों क्योंकि कुछ को जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होगी जिनकी स्टेट को लगेगा और बेसिकली स्टेट के गवर्नर को लगेगा कि इनका जो इनपुट होगा वो पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वैसे लोगों को चुनाव नहीं करवाया जाएगा वैसे लोगों को सीधा सीधा गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल विजर्व इज राज्यसभा सो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी केस इज़ लाइक अ राज्यसभा द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द काउंसिल्स आर लिमिटेड अनलाइक राज्यसभा विच हैज अ सब्सटेंशियल पावर्स टू शेप नॉन फिनेशियल लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू डू सो सो वो फिर कोई फाइनेंशियल बिल के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाएगी असेंबलीज कैन ओवरराइड सजेशन अमेंडमेंट्स मेड टू लेजिस्लेशन बाई द काउंसिल अगेन अनलाइक राज्यसभा एम पीज एमएल कैन नॉट वोट इन इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट

रोल ऑफ लेजिस्टिव काउंसिल सो इट कैन एन्श्योर इंडिविजुअल्स हु माइट नॉट बी कट आउट फॉर द इलेक्शंस आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाइक आर्टिस्ट साइंटिस्ट एट्सट्रा ठीक है क्यों क्योंकि क्यों देखिए स्टेट असेंबली में आप किसी को सीधा सीधा अपॉइंट करके नहीं भेज सकते राइट बट असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप सीधा सीधा किसी को भी अपॉइंट करके भेज पाओगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के इनपुट्स पॉलिसी मेकिंग में काम आ सकते हैं तो उनको सीधा सीधा वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा लाइक आर्टिस्ट साइंटिस्ट टीचर्स ग्रेजुएट्स एट्सेट्रा इट कैन कीप एन आई ऑन हेस्टी डिसीजन टेकन बाई दी लेजिस्लेटिव असेंबली तो जो डबल स्क्रूटिनी की जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे डिस्कस uh, की गई है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लेजिस्टिव काउंसिल सो इट कैन डीले लेजिस्लेशन क्यों क्योंकि लेजिस्लेशन को हर बार डबल uh, स्क्रूटिनी से जाना पड़ेगा तो वो डिले कर सकता है ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड अ बर्डन ऑन द स्टेट बजट ठीक है ऑलरेडी जो ज़्यादा पैसा वहाँ उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर लगाया जाएगा इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पार्क लीडर्स हु हैव नॉट बीन एबल टू विन इन इलेक्शन एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग टीचर्स ग्रेजुएट्स वगैरह तो साइड पर रह गए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लेजिस्लेटिव uh, काउंसिल को अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल करना काफ़ी सालों से स्टार्ट कर दिया है एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट सो ये जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज बिकमिंग रियलिटी इन टूडेज पॉलिटिकल वर्ल्ड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिपेंडेंट कॉलेजियम फॉर इलेक्शन कमीशन देखिए अभी काफ़ी uh, पाँच राज्यों में चुनाव गए और उसका रिजल्ट भी आ गया पिछले महीने तो इलेक्शन कमीशन का जो वर्किंग है जो फंक्शन है जो ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर बेसिकली उसके ऊपर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं बाय दी लिबरल मीडिया बाय दी अपोजिशन पार्टीज सो उसी के चलते एक पिटिशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जैसे आ, काफ़ी सारी अदर एजेंसीज़ जो है उनको उनके जो टॉप पोजीशन है उसको फिल किया जाता है उसी तरह से एक अलग एजेंसी बना दी जाए टू सिलेक्ट एंड इलेक्ट द टॉप पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ताकि इलेक्शन कमीशन फ्रीली काम कर सके और वो किसी गवर्नमेंट के साथ सांठगांठ गांठ करके काम ना करे सो रिसेंटली अ पिटिशन वॉज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉलेजियम टू अपॉइंट मेम्बर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वी ऑलरेडी नो दिस सो इट इज़ एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी देखिये ऑटोनॉमस अब काफी लेम आर्ग्यूमेंट लगता है काफी लेम लेबल लगता है जब अगर हम इलेक्शन कमीशन के पिछले कुछ सालों का जो फंक्शन है वो अगर हम देखें So, it is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state election processes in India. The body administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, and the offices of the president and vice president in the country. काफ़ी बार हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं जो लोकल म्यूनसिपालटीज़ के कमीशन होंगे दोज़ आर नॉट कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन उसके लिए अलग इलेक्टोरल बॉडी हमारे पास बनाई हुई है आर्टिकल 324 ट्वेंटी फोर ऑफ़ दूशन इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन टू सुप्रीटेंडेंट डिरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस स्ट्रक्चर क्या है तो देखिए पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी देन इन 1989 एक बिल लाया गया और उसको मल्टीलेयर बॉडी बनाया गया तो आज हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उसके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि उनको हेल्प करेंगे मैनेजिंग द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एंड स्टेट्स Originally the commission had only one election commissioner, but after the Election Commissioner Amendment Act 1989, it has become a multi-member body. The commission presently consists of one election commissioner and two election commissioners. So almost all the powers are same, salary same है उनके जो पोक्स हैं उनके पोजीशन के साथ जुए दो जा रहे हैं सेम पावर्स आर सेम ओके okay, एक जगह पे सिर्फ सी सी का पावर ज़्यादा है और वो ये है कि अगर सी सी कंप्लेन करेगा इलेक्शन uh, कमिश्नर्स के बारे में प्रेसिडेंट को तो इलेक्शन कमिश्नर को निकाला जा सकता है दैट इज द ओनली डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पावर अदरवाइज एवरी अदर थिंग इज सिमिलर इक्वल द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू डेली present system of appointment kya hai so there is no prescribed procedure for appointment of the cec and ec as per the constitution as of now there is no defined process under the transaction of business rules 1961 the president shall appoint the cec and ec based on the recommendations made by the prime minister therefore it is the executive power of the president to appoint cec and इसी सीज़ तो देखिये प्राइम मिनिस्टर अपने किसी भी बंदे को अपने जो उनकी फेवर कर सकता है इन फ्यूचर अगर उसको अपॉइंट किया गया तो तो ऐसे किसी भी इंसान को ले जाकर वहाँ पर बिठाया जा सकता है देयरफोर इट इज़ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट सी ई सी एंड ई सीज हावेवर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर क्लॉज फाइव द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रेगुलेट द टर्म्स ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्य सीज तो जो उनके जो पर्कस है सैलरीज है टेन्योर है वो सब कौन डिसाइड करेगा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ़ बिजनेस एक्ट 1991 Was passed to determine the conditions of service of the CEC and other ECs, and to provide for the procedure of transaction of business by ECI. It is under Article 324(5) that the Parliament has made laws till date, and not under Article 324(2), in which the Parliament can establish a selection committee for regulating the appointments made by the President. ओके okay. आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्लॉस स्टेट दैट द प्रेसिडेंट शेल विद एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट सी एंड ई टिल पार्लियामेंट अनेक्ट्स अ लॉ फिक्सिंग दी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन तो अभी तक पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया है कोई अलग से कोई एजेंसी एज ऑफ नाउ नहीं बनाई गई है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को जो ठीक लगेगा उनको वहां पर अपॉइंट किया जाएगा एंड दिस कैन लीड टू अ फेवरिज्म ओके अगर मुझे कोई किसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है तो हो सकता है कि मैं जिसने मुझे अपॉइंट किया है उसके लिए मैं काफ़ी सारे फेवर्स करूं, तो वही चीज़ यहाँ पे होती हुई हमें दिख रही है नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉलेजियम क्यों ऐसे पिटिशन दाखिल की गई सो रिकमेंडेशन ऑफ दल कमिटीज ने अलग अलग टाइम के ऊपर यह रिकमेंडेशन ऑलरेडी दिया है द रिकमेंडेशन टू है न्यूट्रल कॉलेजियम टू फिलअप वेकेंसी इन द इलेक्शन कमीशन है दी रिकमेंडेशन वल्सो पार्ट ऑफ लॉ कमीशन्स टू फिफ्टी फिफ्थ रिपोर्ट इन मार्च ट्वेंटी फिफ्टीन तो लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंडेशन uh, दिया था मार्च ट्वेंटी फिफ्टीन में अपनी रिपोर्ट में कि एक अलग अलग कॉलेजियम होना चाहिए uh, जो पोलिटिकल वेंडेटा से उठ कर एक अलग अपॉइंटमेंट बॉडी रहेगी इन ट्वेंटी इन टू थाउजेंड एंड नाइन दी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन इट्स फोर्थ रिपोर्ट सजेस्टेड अ कॉलेजियन सिस्टम फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स इन नाइनटीन नाइनटीन दिनेश गोस्वामी कमिटी रिकमेंडेड इफेक्टिव कंसल्टे विध न्यूट्रल अथॉरिटीज लाइक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर द अपॉइंटमेंट इन द इलेक्शन कमीशन जैसे कि सी बी आई का जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा राइट तो सी बी आई के अपॉइंटमेंट के डायरेक्टर में भी क्या होगा थ्री मेम्बर बॉडी है एक प्राइम मिनिस्टर होंगे लोकसभा के स्पीकर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे तो ये तीनों को पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन से ऊपर उठकर माना जाता है कि ये लोग गंदा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और इसीलिए ये लोग जो अपॉइंटमेंट करेंगे दैट विल बी न्यूट्रल तो उसी तरह से इलेक्शन कमीशन का भी जो टॉप पोस्ट है वो इसी तरह से भरा जाना चाहिए इन 1975 जस्टिस ंड कमिटी रिकमेंडेड दैट द मेम्बर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन शुड बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ अ कमिटी कंजिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है बट अभी तक ऐसे कोई कमिटी सेटअप नहीं हुई है तो इसी के ऊपर हमने डिस्कशन की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्जाद बी गैस फील्ड ईरान सो so, जब हमने ईरान डील के बारे में पढ़ा था राइट right? Uh, तब हमने फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में भी पढ़ा था सो रिसेंटली ईरान गेव फरजाद बी गैस फील्ड टू पेट्रोपार्स अ डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स जो कि पहले था ओ के पास क्योंकि ईरान और इंडिया काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम कर रहे थे और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के तौर पर ओ को वहां पर इन्वेस्ट करने दिया गया था दिस इज सेटबैक फॉर इंडिया एनर्जी टाइज विद ईरान एज ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड द गैस फील्ड इन टू थाउजेंड एंड एट एंड बीन पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कॉरपोरेशन ऑन दैट फ्रंट तो अब उसको पेट्रोपार्स को दे दिया गया विच इज अ डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर क्यों फरजाद बी गैस फील्ड इज क्रूशियल

the contract expired in 2009 after declaration of commerciality of the field based on the gas discovery it has gas reserves of more than 19 trillion cubic feet ongc has invested approximately 100 million us dollar in this project since then the consortium has been trying to secure the contract for development of the field the major dispute between india and iran was setting up

यू ने बाकी सारे कंट्रीज़ के ऊपर भी ये प्रेशर डाला कि आपको ईरान को सपोर्ट नहीं करना है और इंडिया के ऊपर भी ये आ, जो दबाव था वो बनाया गया इन जनवरी 2020 इंडिया वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द इमीडिएट फ्यूचर ईरान वुड डेवलप द फील्ड ऑन इट्स ओन एंड वुड लाइक टू इन्वॉल्व इंडिया अप्रोप्रिएटली एट अ लेटर स्टेज तो बेसिकली इसको ये देखा जा रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस भी ईरान में अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ईरान अपने जो स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडिया के साथ उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है कम करता जा रहा है कंसर्नस फॉर इंडिया क्या है आ, ये एक डिसीजन की वजह से ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन अप्रैल 2021 ट्वेंटी वन चाइना एंड ईरान साइंड अ ट्वेंटी फाइव ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट विच इंक्लूड्स पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स China is also concludi uh, concluding a security and military partnership with Iran. The China Iran strategic partnership may be an impediment for. इंडियन एंट्री राउट्स इन टू अफ़ान अफ़ानिस्तान थ्रू चाबहार एंड फर्दर कनेक्टिविटी टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर ऑल दो ईरान हैज़ नॉट गिवन एनी सिग्नल्स ऑफ डिसरप्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट तो अगर ईरान चाइना का इंफ्लुंस ईरान के अंदर बढ़ता है तो अभी हो सकता है कि ईरान कोई बगावत इंडिया से नहीं करता है बट आने वाले सालों में ये बगावत हो सकती है फ्राम दी ईरान फ्रंट फर्दर ईरान सीन्स टू बी स्कैप्टिकल ऑफ इंडियाज़ डिप्लोमेटिक टाइज विद यू एस क्योंकि ईरान और यू एस ए दोनों काफ़ी बड़े दुश्मन हैं अगर इंडिया यू एस ए के साथ अपने रिलेशन बनाता है बढ़ाता है तो ईरान को लगेगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हिज़ इकनॉमी फॉर हिज़ फॉरन इंटरेस्ट और इसलिए हमारे जो रिलेशन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं इट इज़ इन डिस्कशन ठीक है हम ये नहीं कहेंगे कम होते जा रहे हैं बट अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारा रिलेशन क्या हो जाए कम हो जाए इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सो इंडिया हैज़ स्टॉप्ड परचेजिंग ईरानियन ऑयल विच अकाउंट्स फॉर अराउंड नाइन्टी परसेंट ऑफ इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम द इस्लामिक नेशन इंडिया वॉज ईरान्स लीडिंग ऑयल क्लाइंट आफ्टर चाइना अनटिल मिड ट्वेंटी एटीन India needs gas, and Iran remains one of the best options. Geographically, Iran is closest to India of all the countries in the Persian Gulf region. Further, the Farzad B gas field could have improved India Iran ties as a crude oil import from Iran remains impacted due to the US sanctions. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे ही ईरान डील से यू ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था यू ने अपने जो स्ट्रॉन्ग uh, अलाइज थे उनके ऊपर भी ये प्रेशर बनाया कि आपको ईरान के साथ कोई ट्रेड रिलेशन नहीं रखना है अगर आप ईरान के साथ ट्रेड रिलेशन रखते हो तो यू एस आपके ऊपर सेंशन लगा देगा और कोई कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता अगर किसी कंट्री को ईरान और यू के साथ रिलेशन चुनना है तो कोई भी कंट्री किसको चुनेगा यूएसए को चुनेगा बट इंडिया को काफ़ी सारे एक्सेप्शन्स दिए गए थे काफ़ी सारी छूट दी गई थी और इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन कीपिंग अ गुड रिलेशन विथ ईरान इवन इफ दी इवन देर वॉज अ सेंक्शन फ्रॉम यू एस द ईरान सो इंडिया रोल इन द रीजन क्या है मेंटेनिंग टाइज विद ईरान इवन इफ़ इट फॉरगोज अ न्यू रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया एंड इसराइल इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ बैलेंसिंग पॉलिसी इन वेस्ट एशिया तो ईरान के साथ हम भी नहीं चाहते कि हमारे जो रिलेशन है वो कब हो क्यों क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ट्रेड और कल्चरल टाइज आर ऑलरेडी सेटअप विद ईरान तो हम नहीं चाहते कि किसी और कंट्री के चलते हमारे जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसको हम खराब करें कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया इज़ ऑल्सो क्रूशियल पार्ट सो चाबार इज़ नॉट ओनली अ की टू मेरी टाइम रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज बट इट ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू रीच रशिया एंड सेंट्रल एशिया तो जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया गया है चाइना के इन्वेस्टमेंट से उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि जो सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी है वो बढ़े फर्दर इट अलाउज़ इंडिया टू बाईपास पाकिस्तान विच हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू अफग़ानिस्तान एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड पीसफुल अफ़गानिस्तान के लिए भी ईरान के साथ हमारा जो रिलेशन है दैट इज़ नेसेसरी सो इंडिया हैविंग मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान विल ऑलवेज होप फॉर एन अफ़गान इलेक्टेड अफ़गान लेड अफ़गान पीस एंड रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस एंड अ पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान हावेवर इंडिया हैज़ टू बी वॉचफुल ऑफ ईरान पाकिस्तान चाइना एक्सिस डेवलपिंग इन द नेबरहुड ऑफ अफगानिस्तान विथ टेंटिकल्स इन फॉर्म ऑफ टेरर ग्रुप्स इन साइड इट तो अगर हम अफगानिस्तान को पूरी मदद कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अगर उसमें पाकिस्तान ईरान और चाइना उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं तो इंडिया के ये जो अफगान इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर भी असर हो सकता है ओके सो दिस वाज योर टूडेज़ लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक प्लीज़ कांटेक्ट मी इन एनी डाउट्स टिल देन स्टे होम स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू